दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन वार 1948 को स्टार्ट किया गया था, जो कि अभी इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक बहुत बड़ी मोड़ ले चुकी है। 1 अक्टूबर 2024 की रात को इसराइल में कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला जो कि 182-200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर दागी गई थी ईरान के द्वारा। इतने सारे मिसाइल को लॉन्च करने का परमिशन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी ने दिया था। ईरान के IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, जो कि इन आर्मी के रिकॉर्ड के अनुसार 90 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल ने अपनी मिशन पूरा किया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसराइल का कहना है कि अधिकतर मिसाइलें एक्यूरेट इंटरसेप्ट कर ली गई थी इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इतने सारे मिसाइल्स ने तबाही मचाई है, इसके कुछ फोटो सामने आई है और ये बताया जाता है कि मिसाइल के अटैक से 30 फीट गहरा और 50 फीट चौड़ा एक कुआं बना दिया गया है मोसाद के खुफिया हेडक्वार्टर के जस्ट बाहर ही। नॉट विद स्टैंडिंग इसराइल का कहना है कि उनको बहुत कम डैमेज पहुंचा है इस मिसाइल हमले से, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि ईरान विल पे आफ्टर इज लॉन्च्ड एन एस्टिमेटेड 182-200 मिसाइल्स एट इसराइल। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemy. यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर ईरान इस वॉर में इन्वॉल्व कैसे हो गया। 57 मुस्लिम कंट्रीज में से फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा सपोर्ट ईरान ने दिखाया है, जो कि वहाँ पर 90-95% शिया इस्लाम के पॉपुलेशन पाए जाते हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले से शुरू हुआ ये वॉर अब बहुत सारे देशों के बीच में स्प्रेड आउट हो चुकी है। इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन पर ही अटैक नहीं कर रही है, जबकि बहुत सारे पड़ोसी देशों में भी अटैक किया जा रहा है और अब ईरान इस वॉर में डायरेक्ट कूद चुकी है। ये पहली बार नहीं था कि ईरान ने इसराइल पर अटैक किया हो, साल 1985 में और साल 2006 में लेबनान वॉर के दौरान किया था। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या रीजन है, चलिए डिटेल में समझते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग ये वॉर अब कई देशों में स्प्रेड आउट हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में इसे वर्ल्ड वॉर बना दिया गया है, जिसे कहना एक बहुत बड़ा साजिश माना जा रहा है। ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, वॉर 3 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, द वर्ल्ड वॉर इज ऑलरेडी अपॉन अस। इसी साल 2024 में 13 अप्रैल को 300 से अधिक ड्रोन मिसाइल इसराइल के ऊपर छोड़ी गई थी। ईरान का ये अटैक 1 अक्टूबर से अधिक डेंजरस माना जाता है। 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल, 170 ड्रोन हमले और 30 क्रूज मिसाइल इसराइल पर छोड़ी गई थी। यहाँ तक कि रूस ने भी क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुँचा दिया है और इसराइल का सबसे बड़ा वीकनेस है क्लस्टर मिसाइल। इसके अंदर बॉम्बलेट्स भरी होती है। एक क्लस्टर बम 50 मीटर की एरिया को कवर करती है। मैप के अनुसार आप नजर डालेंगे तो इसराइल और ईरान कंट्री के बीच काफी डिस्टेंस है। इन दोनों कंट्री के बीच सबसे कम डिस्टेंस 900 किलोमीटर की है। आयरन डोम की रेंज 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। इन सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल ने एक तीसरा डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है, जिसका नाम है एरो सिस्टम। इतने सारे डिफेंस सिस्टम को देख कर लगेगा कि इसराइल पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक है, पर ऐसा कुछ नहीं है।